नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, भारत ने आज बहुत ही बड़ा काम करके दिखा दिया है और भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है और दिन रोज नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन वहीं भारतीय फॉरेक्स रिजर्व ने पिछले ही हफ्ते एक बड़ा डाउनफॉल देखा था और तब कई सारी रिपोर्टें निकल कर आई थी कि अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो बढ़ रहा था वो यहीं पर अंत हो गया और भारत अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है। वहीं कई सारे देश थे जिनकी तरफ से ये रिपोर्टें निकल कर आई थी, साथ ही कई सारे देशों का ये मानना था कि अब भारत बस यहीं तक ऊंचाई पर जाना था और इसके बाद अब भारत नीचे जाना शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं दोस्तों, भारत ने एक बड़ा काम करके दिखा दिया है और इस हफ्ते जिस तरह से भारतीय फॉरेक्स रिजर्व के नतीजे आए हैं उनसे लगता है कि भारत बहुत ही जल्द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस कोरोना काल में कई सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन भारत एक इकलौता देश है जिसकी इकोनॉमी दिन रोज ऊपर की तरफ जा रही है और भारत ने पिछले एक साल के अंदर अपने फॉरेक्स रिजर्व के मामले में नई ऊंचाइयों को छुआ है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय फॉरेक्स रिजर्व जहां पिछले दो हफ्ते पहले $600 बिलियन के आसपास था, अब वही बढ़कर $620 बिलियन पर पहुंच गया है। और दोस्तों, भारत ने एक ऐसी एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई है कि जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $9.42 बिलियन बढ़ चुका है। अगर इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो पिछले हफ्ते भारत ने अपने खजाने में लगभग 72,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया है और अब भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $620 अरब के आसपास पहुंच चुका है। और ये दोस्तों भारत का आज तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतने ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा है। आज से पहले कभी भी भारत का खजाना इतने हाईएस्ट स्तर पर नहीं पहुंचा था। और अगर दोस्तों आप नहीं जानते कि आखिरकार $620 अरब कितनी बड़ी रकम है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रुपए में $620 अरब मतलब 40,50,000 करोड़ रुपए। और आप सोच सकते हैं कि आखिरकार कितनी ज्यादा बड़ी रकम है ये। और पिछले ही हफ्ते जो बढ़ोतरी हुई है वो करीबन 72,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है जब भारत ने लगातार इतना बड़ा रिकॉर्ड दिखाया है। और दोस्तों, अगर भारत इसी तरह से हर हफ्ते करीबन $9.5 अरब ऐड करता जाता है तो सच मानिए कि अगले साल की शुरुआत तक ही हम $1 ट्रिलियन के खजाने के मालिक हो जाएंगे और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इस तारीख में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जो इस बड़े अमाउंट को होल्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए ये जो उपलब्धि है वो सबसे अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि दूसरे जो देश हैं उनकी इकोनॉमी अभी डाउन में चल रही है और कई सारे देश तो ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बुरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और उनमें दोस्तों आप नाम ले सकते हैं रशिया का, जहां की इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से टूटी है और इनके विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी कटौती देखी गई है। इसलिए भारत के लिए ये जीत और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि जहां एक तरफ दूसरे देश नीचे की तरफ जा रहे हैं वहीं भारत लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसके बढ़ने के पीछे जो कारण सबसे ज्यादा अहम बताए जा रहे हैं उनमें सबसे अहम है भारत का एक्सपोर्ट, जो लगातार भारतीय इकोनॉमी की सही होने की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ज्यादातर राज्य लॉकडाउन से खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे भारतीय इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। साथ ही जो भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार शेयर मार्केट भारत की ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। और जितना ज्यादा FDI भारत में आ रहा है उतना ही ज्यादा भारत ग्रोथ दिखा रहा है और आने वाले समय में लगता है कि ये FDI और भी ज्यादा आएगा और भारत की जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद है। इसके अलावा जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं भारत के वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व में और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर लेगा। अब दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।